चुके हैं जयपुर और हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रूपाली ब्लॉग जमशेदपुर। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा ब्लॉग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि मैं अच्छी हूँ तो आप सब भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मतलब कल रात की मैं ये ब्लॉग ना करीब 9-10 बजे सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ, और कल रात की मेरी ट्रेन थी हावड़ा से, जो कलकत्ता के पास में हावड़ा है वहाँ से, और कलकत्ता के नाम से भी लोग जानते हैं लोग, हावड़ा बहुत बड़ा स्टेशन है। तो हावड़ा से मेरी ट्रेन थी रात के 11 बजे, तो हावड़ा से जयपुर की, तो मैं अब हावड़ा से जयपुर जा रही थी, तब का ब्लॉक है। तो फ्रेंड्स, रात में जब हम बैठे थे तो उस समय ना फिर बच्चा लोग ना बहुत बदमाशी किया लोग एकदम। एक तो हम लोग का सीट भी था जो बीच में मिला हुआ था, सेंटर वाला सीट था, और फिर ये लोग ना ऊपर नीचे इतना परेशान कर रहा था लोग कि मैं क्या बताऊँ आप सभी को। और फिर मेरे हस्बैंड ना हावड़ा तक छोड़ने आए थे, फिर हावड़ा तक ना अच्छे से ट्रेन में हमें बैठा दिए, जो भी ज़रूरत के सामान था सब चीज़ दे दिए, फल फ्रूट्स और कोल्ड ड्रिंक, पानी के बोतल, मतलब जो भी चीज़ होता है यूज का, कि मुझे किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़े ट्रेन में। और फिर सब चीज़ दे उ के फिर वो उनकी ट्रेन 10:30 बजे की थी, 10:30 या 11 ऐसी था, मुझे जैसे याद नहीं है। तो वो मुझे ट्रेन में बैठा के फिर वो अपना ट्रेन में बैठ गए, और मतलब बहुत अच्छा ट्रेन था ना, कि आराम से 2-2:30 बजे वो टाटा उतर भी गए, तो आराम से उनको भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुझे ना बहुत प्रॉब्लम हो जाता अगर उनको लेट होता, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मेरा तो चलिए अच्छा, मेरे को तो लॉन्ग मतलब रास्ता में जाना ही है, लेकिन मेरे कारण उनको भी बहुत परेशानी हुआ है। लेकिन कोई नहीं, अच्छे टाइम से वो पहुँच गए थे, मैं भी अच्छे से बैठ गई थी। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो मेरा नाश्ता वगैरह हो गया था, और मैं थोड़ा सा वीडियो शूट की हूँ रात का, जैसे ये लोग बदमाशी कर रहा था, तो ये देखिए ये लोग का बदमाशी, देखते रहिएगा आप लोग रात के अंधेरा में भी कैसे ये लोग बदमाशी कर रहा था लोग एकदम से चुपके चुपके, मतलब उतना दूर भर के ना सभी लोग परेशान हो गए थे कि अब बच्चे को नींद नहीं आ रहे हैं क्या। फिर क्या कह रहे हैं, लास्ट में जो भैया जिनका सीट सबसे नीचे था, तो वो बोले कि सिस्टर ऐसा कीजिए ना कि मैं ना बीच वाले सीट पे चला जाता हूँ, और आप सबसे अच्छा नीचे वाला सीट ले लीजिए, क्योंकि आप ना बहुत परेशान हो गए हैं, मैं देख रहा हूँ कि कभी वॉशरूम जा रहे हैं बच्चे को लेके, तो कभी खड़े हो रहे हैं। तो चलिए, अच्छा लगा मुझे कि कई लोग का सोच भी ऐसा अच्छा होता है। पहले तो उन्होंने मना कर दिया था नीचे वाला सीट देने से, बोला था कि उनका सीट ना आगरा तक ही था, तो फिर वो बोले कि नहीं मैं ना स्पेशल ना नीचे वाला सीट बनवाया हूँ। तो मैं सोची चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, फिर वो बेचारा खुद ही दे दिया, तो मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पर मतलब अभी भी आराध्या सोई हुई थी, और प्रियांशी भी सोई हुई थी, मतलब प्रियांशी तो जल्दी उठ गई है, अब देखिएगा। तो गाइज, यहाँ मुझे आवाज़ ऐड करना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी आसपास में लोग बैठे थे वो सारे गाने सॉन्ग्स ये सब सुन रहे थे, तो क्लियर सुनाई नहीं दे रहा था, तो इस वजह से मैं अलग से आवाज़ ऐड की हूँ, तो ये प्रॉब्लम हो रहा था बहुत तेज़। तो वो तो ट्रेन में तो खैर सफ़र में तो ये चीज़ है ही, सभी गाने वाने ही तो सुन के टाइम पास करते हैं फ़ोन देख के ही। तो फ्रेंड्स, अब बच्चा लोग उठता है लोग, फिर मैं देखती हूँ क्या ब्लॉग बनाती हूँ, और कैसे वो लोग क्या करता है लोग, नाश्ता करता है लोग कि नाटक करता है लोग कि पापा को खोजता है लोग, क्योंकि आराध्या तो बहुत पापा में रहती है। तो चलिए, ये लोग उठता है लोग, फिर देखती हूँ मैं क्या करता है लोग। बाकी मैं एकदम अच्छे से बैठ गई हूँ, और अभी मैं नाश्ता वास्ता भी कर ली। क्या रहा प्रियंस, क्या खा रहे हैं? अंगूर। अंगूर क्या होता है, क्या होता है अंगूर, दिखाइए। ये वाला देखिए कितना बड़ा है।
तो गाइज यहाँ प्रियांशी मैं बताऊँ 6:30 बजे से उठ के बैठी है। ऐसे तो इसका कोई 6:30 बजे आता पता नहीं रहता, लेकिन आज देखिए ट्रेन में 6:30 बजे उठ के बैठ गई है एकदम। और अभी आराध्या सोई रही थी, मैं दिखलाती हूँ आप उन लोगों को, आराध्या अभी सो रही है और प्रियांशी अपना ग्रेप्स खा रही है। ग्रेप्स था ये देखिए, आराध्या बेटी मेरा सो रही है आराम से एकदम से। अब देखिए ये कब उठती है, आराध्या क्या खा रहे हैं? नहीं नहीं ऊपर भैया है आएंगे। क्या खा रहे बेटो? सत्तू वाला लिट्टी। बाहर का चीज नहीं खाना है? खाना है ना, अभी खाई है आराध्या पोया। मत कर रुलाइए बेटो, पागल है प्रियांशी। हाँ बताइए क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? आइसक्रीम चाहिए। कितना चाहिए? कई गो? दो गो आइसक्रीम चाहिए। अब प्रियांशी क्यों गुस्सा है? इसको भी आइसक्रीम ही चाहिए। सब पापा पास रिकॉर्डिंग करके भेज रहे हैं। तो यहाँ पे ये लोग आइसक्रीम के लिए परेशान किया था लोग, और इसमें ना हर चीज ना डबल रेट में था, हर चीज डबल रेट का। वो एक आइसक्रीम था, अमूल नाम तो लिखा हुआ था, पता नहीं इसमें था या नहीं था, 160 रुपये एक आइसक्रीम था। वो छोटा सा फैमिली पैक जैसा डिब्बा था। अब वो दोनों बोल रही थी लेने के लिए, अब मतलब पूरा थक गए थे, मतलब बहुत सारा चीज़ खा लिया था लोग, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं खाया था लोग। तो यहाँ पे बस थोड़ी देर में हमारी सफ़र होने वाली है ख़त्म, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। मैं ब्लॉगिंग उतना नहीं कर पाई क्योंकि एक ही चीज़ क्या बार बार दिखाती, वही खाना पीना वहीं पे बैठना। तो बस अब थोड़ी देर में ही हमारी सफ़र ख़त्म होने वाली है और जयपुर आने वाला है। अब फिर हम लोग जयपुर उतरेंगे, बस थोड़ी देर में उतर जाएंगे। और ये एकदम राइट टाइम, मतलब ट्रेन चल रहा था एकदम फिक्स, मेरे को 12 बजे उतार दिया था, 12:05 हो रहा था, तो फिक्स टाइम अच्छा था, मतलब फिक्स टाइम पे उतार दिया था। मेरे को ये चीज़ का टेंशन था कि कहीं लेट ना ज़्यादा और कर दे, तो नहीं फिक्स टाइम पे, मतलब चला भी था फिक्स टाइम पे, उतार भी दिया फिक्स टाइम में, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैं ऐसी नीचे बैठी हूँ, तो ये जो मतलब वीडियो आप देख रहे हैं, तो ये मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग की थी मतलब ब्लॉग के लिए, ऐसी समझाने के लिए। तो ये था दोपहर का ही सीन था थोड़ा सा, तो मैं समझाने के लिए यहाँ पर की थी कि मतलब बस उतरने वाले ही थे, बच्चे थे ना साथ में, तो सफ़र का पता नहीं चला। बहुत मज़ा भी आया और अच्छा लगता है ऐसे जब बच्चे होते हैं ना, जब फन करते रहते हैं तो एकदम सफ़र का पता ही नहीं चला, बिल्कुल ही पता नहीं चला कब रात हो गया कब सुबह और कब शाम। तो अच्छा लगा बच्चों के साथ, और फर्स्ट बार ही मेरा लाइफ का फर्स्ट बार ऐसा हो रहा है कि मैं अकेले ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ, बिल्कुल फर्स्ट बार ही है मेरा। और लेकिन मतलब बिल्कुल में मुझे डर नहीं लगा कोई चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं था, मतलब बिना हिचक लग ही नहीं रहा था मैं अकेले सफ़र कर रही हूँ, क्योंकि बच्चा लोग साथ में था लोग, तो बच्चा लोग के साथ हंसते खेलते बोलते चले गए, और हमारे आस पास में भी थे तो अच्छे लोग ही थे, तो कोई वैसा गलत लोग नहीं थे, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा था सफ़र। तो बस थोड़ी देर में ही हम उतरने वाले हैं, तो अब मैं सामान लेकर और गेट पे चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से।
सो गाइज, मैं बाहर देखिए सामान लेकर आ गई हूँ गेट पास, और क्योंकि जयपुर के बाद फिर वही है, क्या बोलते हैं, जोधपुर, लास्ट जोधपुर ही है। तो जयपुर में बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग जयपुर में उतरते हैं, और हो सकता है कि मेरा भाई, मतलब कभी कभी बोगी आगे पीछे भी हो जाता है, तो कहीं उतरने में दिक्कत हो, कहीं वो मतलब लास्ट में आए या जो भी है। तो हम पहले से अपना रेडी थे भाई, अपना सब सामान वामान यहाँ पर निकाल के मैं रख ली थी, आगे आ गई थी, सबसे आगे थी मैं। गाइज, अब उतर गए हैं जयपुर, और भाई मेरा एकदम जैसे बोगी के जस्ट सामने ही आ गया था, तो मैं मतलब ट्रेन से जैसी उतर रही थी वैसी वो बैग ले लिया था, तो आई वैसे भी कोई दिक्कत नहीं था, आराम से मैं उतर गई थी, और मतलब अच्छा से मतलब पहुंच गई मैं। इस चीज़ के चल खुशी भी होता है, एक सफ़र अच्छे से मतलब कट जाता है तो अच्छा ही लगता है। सो गाइज, यहाँ से कैब बुक करेंगे और कैब बुक के घर के लिए रवाना होंगे। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे करेंगे एंड फिर आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, और कुछ नया ब्लॉग में मिलेंगे, अगर मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो उस सब चीज़ का ब्लॉग रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे करेंगे एंड, जो लोग मेरा ब्लॉग देखा लोग उन लोग को थैंक यू दिल से, और प्लीज़ अगर आप लोग को इस वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो आप लोग कर ही दीजिएगा। तो